गाय सबसे पहले मैं आप लोग को सलाम और नमस्ते बोलना चाहता हूँ, नमस्कार बोलना चाहता हूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है साजिद अली करके है, उन्होंने पूछा है कि भाई ECR और ECNR का पासपोर्ट अगर हमारे पास है तो हम कुवैत में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। और भाई अगर आप लोग आते हो ECR पासपोर्ट क्या होता है और ECNR पासपोर्ट क्या होता है। तो ECR का पासपोर्ट का जो मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ECNR बोल होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, तो एन मतलब नॉट। तो गाइस अगर आप लोग आ रहे हो, और मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने पूछा कि भाई अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं कुवैत में और हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमने पासपोर्ट बनवाया था आज के 6 साल पहले 8 साल पहले और हमने 8 की मार्कशीट से बनवाया था। 8 की मार्कशीट आपको पता होगा कि जो कि मान्य प्राप्त नहीं है, यानी कि आप लोग को इसमें डिग्री नहीं होती है, इस वजह से ECR में आएगा। इस वजह से आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर गाइस आप लोग कुवैत में आ रहे हो तो आप लोग को देखना होगा कि जो आपकी मार्कशीट है ECR वाली, जैसे जो आपका पासपोर्ट है आपने किस मार्कशीट पे बनवाया है, ECR के पासपोर्ट से बनवाया है या ECNR के पासपोर्ट से बनवाया है। गाइस मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लोग कुवैत आए, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग को एक गलती नहीं करनी है, जो कि अगर आप लोग ऐसी गलती करते हो तो आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे परेशानी होने वाली है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सऊदी होकर आते हैं, कुवैत में ECR पासपोर्ट होता है जो कि पढ़ा लिखा पासपोर्ट नहीं होता है, और उन लोगों के पास हुनर होता है, उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन गाइस जो यहाँ कुवैत में आते हैं हमारे भाई लोग इंडिया के, वो सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं और यहाँ पे कंपनी वगैरह पासपोर्ट देखती है तो ये सब सोचते हैं कि तो भाई जाहिल है, पता चल जाता है आपके मार्कशीट के पीछे लिखा होगा, जिस आपका जिसमें मार्कशीट पूरा जैसे पासपोर्ट होता है ना उसके पीछे से लिखा रहता है ECR जो भी फलाना वगैरह होता है, तो वो लोग देखते हैं कि ये बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं, इतने डिग्री वगैरह प्राप्त तो की है, अचीव की है कि नहीं की है। तो गाइस अगर आप लोग ने हाई स्कूल प्राप्त तो कर लिया है, हाई स्कूल की यानी पास हो या इंटर पास हो, तो आप लोग, मैं आप लोग से एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज मार्कशीट से पासपोर्ट बनवाएं। और जो मार्कशीट का पासपोर्ट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ पे आप लोग को डिग्री मान्य प्राप्त होता है, और यहाँ पे डिग्री मान्य प्राप्त की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने पासपोर्ट बनवा लिया पढ़ा लिखा है, यानी कि आपने जाहिल का पासपोर्ट नहीं बनवाया है। और जब मैं पासपोर्ट बनाने जा रहा था मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम जाहिल थे, तो मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ पे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तो बोले कि पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हो, तो उन्होंने पूछा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस मैं 8 पास हूँ, तो वही 8 की मार्कशीट है और जो कि फॉर्म वगैरह होता है पासपोर्ट का, आपको अपॉइंटमेंट करते हैं वो लोग, और कुछ आधार कार्ड वगैरह होता है। तो भाई वो थे जा रहे थे सऊदी के लिए, सोचे कि हम पहले पासपोर्ट बनवा लेते हैं फिर उसके बाद सऊदी जाएंगे, वहां पे ड्राइवर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन गाइस अगर आज आ रहे हो आप, अब के समय में 2022 में कुवैत में या किसी भी कंट्री जा रहे हो, एक गलती कभी नहीं कर रहा है, आप लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो आपकी मजबूरियां हैं। और आप लोग तो बहरहाल अपने ट्रेवल वगैरह पूछिए भाई हमको कैसे ठीक होएगा पासपोर्ट, वो लोग आपको पूरा रास्ता बताएंगे। लेकिन गाइस हमारे भाई लोग हैं बहुत से ऐसे, मैंने देखा है जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे इंडिया के बंदे हैं, वो सब यार पढ़ लिख कर जाहिल होते हैं। और मेरे गांव के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन पासपोर्ट पर वो जाहिल हैं, जाहिल यानी कि सिंस की, यानी कि वो लोग को इतना ज्यादा पैसा की, यानी कि उनको इतना ज्यादा पैसा कमाना जरूरी था कि वो लोग पासपोर्ट पर जाहिल हो चुके हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे आ चुके हो, यहाँ पे काम ही कर रहे हो, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपने इतना बड़ी गलती कर दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब भी आप लोग कभी ECNR कराने जाओगे, जब भी आप लोग पढ़ा लिखा पासपोर्ट बनाने जाओगे, बनवाने जाओगे किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में जाओ, चाहे यहाँ की एम्बेसी में जाओ, चाहे सऊदी की एम्बेसी में जाओ, चाहे कुवैत की एम्बेसी में जाओ, तो आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम करनी हो, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, तो हमारे इंडिया में जो पासपोर्ट बनता है आपको सीधा एक बार में सब कम्प्लीट हो जाता है और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप लोग जो ऐसे पढ़ा लिखा पासपोर्ट बनवा लोगे ना, चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप लोग कुवैत में नहीं आना चाहते हो, ना कि आपको सऊदी जाना पसंद, ना कि गल्फ कंट्री में पसंद नहीं है, अगर मान लेते हैं आपका वीजा निकल चुका है अमेरिका का, USA का, जहां पे आप लोग जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, होटल ही हो गया, जर्मनी हो गया, जापान, यानी कि जो मेन मेन सिटी है, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, अगर आप लोग वहां पे जाना चाहते हो तो आप लोग के पास भाई पढ़ा लिखा डिग्री वगैरह का पासपोर्ट होना चाहिए। और हमारे भाई लोग जो कि जाहिल वगैरह का पासपोर्ट बनवाते हैं, लगभग 50% ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में
जो लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं उनको पता नहीं होता है कि ये हमारा पढ़ा लिखा पासपोर्ट है कि पढ़ा लिखा पासपोर्ट नहीं है। तो भाई लोग, आप लोग प्लीज ऐसी गलती मत करना। मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, आप लोग पहले अपने एजेंटों को पूछिए कि हमने पढ़ाई कर मैं ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका हूँ, तो मुझे जाहिल का पासपोर्ट नहीं बनवाना है, जो कि इसमें होता है ECR, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि जरूरत पड़ती है वहां पे। और तो आप लोग इसमें जब भी पासपोर्ट फॉर्म फिल करें तो उसमें पूरा, यानी कि उसमें डिटेल फुल करें, और हमारा पासपोर्ट जो कि पढ़ा लिखा है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त तो करते हैं। तो भाई का सवाल था, और गाइस जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, तो हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है, इंटर पास कर लिया है, लेकिन यहाँ आ रहे हैं कुवैत में, कुवैत हाउस के घर में, यानी कि कुवैती घर में काम करने के लिए आ रहे हैं। उनका मकसद क्या था कि हमारा पासपोर्ट बने और वीजा आ जाए कैसे भी, और उसको PCD करवा लें और मेडिकल करवा लें। चलिए चलते हैं कुवैत, हमारा पासपोर्ट क्या इंपॉर्टेंट है? बस हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि जब फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, आ सकते हैं, बस पासपोर्ट का इतना ही काम रहेगा। तो उन लोगों को बस इतना ही रहता है, चलिए पैसा कमाते हैं फिर अपने घर आएंगे, पैसा कमाते हैं चलिए अपने घर आएंगे। तो उनकी गलत सोच है, और वो लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जो थर्ड प्रोसेस होती है वहां तक इतनी आगे तक नहीं जाती है जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वो लोग आते हैं यहाँ पे, जब उनको कोई ऐसा बंदा मिलता है बोलता है भाई आपका पासपोर्ट अलग है और मेरा पासपोर्ट अलग है, तो बोलिए भाई इसमें क्या फर्क है, पासपोर्ट तो पासपोर्ट होता है। तो उनको उतनी जानकारी नहीं होती है, और उनको तो बस जल्दी रहती है, चलिए चलते हैं कुवैत में पैसा छापते हैं और सऊदी चलते हैं पैसा कमाते हैं। तो उन लोगों को बोलो कि हमको जाना कैसे कोई भी, और हम चलते हैं, यानी कि कोई भी पासपोर्ट बनाओ, हमको जल्द से जल्द पासपोर्ट चाहिए, हमारे हाथ में आना चाहिए, और हम जाना चाहते हैं कोई फ्लाइट वगैरह से जो भी रहता है। तो वो लोग को जल्दी की वजह से उनको बाद में पछतावा होता है। और अभी जल्द ही आज के 6 या 7 दिन पहले की बात है, मेरी कंपनी के बाहर एक बंदा था यहाँ पे काम करता था, अभी वो जल्द ही ऐसे मिला मुझे, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो बहरहाल वो पूरा डिग्री वगैरह के साथ यहाँ कुवैत में आया है, तो उन्होंने पूरा एकदम अच्छे से पासपोर्ट बनवाया है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम तो दोनों में नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार पासपोर्ट अच्छे से बनवा लिया है, जो कि पढ़ा लिखा पासपोर्ट बोलते हैं, कोई जहल वाला नहीं है, तो आपको कुछ यहाँ पे यानी कि अच्छी जॉब मिल सकती है। और जैसे कंपनी वगैरह में जब जाओगे ना, वहां पे तो कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती है, तो आपको देखती है आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ कब है, कितनी आप कितनी एज के हो, ये भी देखती है कि आप कितनी एज के हो। ये नहीं कि आप आ चुके हो कोविड में और आपकी एज तो बहरहाल लग रही है 40 साल, लेकिन वो 30 साल के, और अगर आपकी एज 30 साल है, लग रहे हो 40 साल के, वो लोग पूरा देखते हैं यंग है कि क्या है। तो फाइनली वो लोग ज्यादातर यंग लोग को बुलाते हैं, जवान लोग को बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी में, यहाँ नहीं हर जगह डिमांड होती है जवान लोगों की, यानी कि बुढ़े सुढ़े की जरूरत नहीं होती है, जवान लोगों की यहाँ पे जरूरत होती है। तो वो लोग पूरा देखते हैं, फिर आपका पासपोर्ट भी देखते हैं, पीछे जो डिटेल वगैरह लिखी होती है, आपका एड्रेस वगैरह, आपके फादर मदर, आपके माता पिता का जो नाम होता है, फिर वहां पे पूरी कुछ डिटेल होती है, वो लोग देखते हैं। जो यहाँ पे मैनेजर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, पूरा देखते हैं, आपको बताएंगे नहीं कि मैं देख रहा हूँ, वो बस लोग देखते हैं टाइम पास के लिए। कभी कभी देखते हैं बंदा के पास कुछ है कि नहीं है, कुछ डिग्रियां वगैरह है कि नहीं है, तो उसमें पूरा आपको पता हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे अभी मैं आया हूँ ड्यूटी से, और मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ कुवैत में, अभी देख सकते हो यहाँ रात बज रहे हैं, अभी 8:10 हो रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आया था 6:30 बजे ड्यूटी से, और मैं फिर खाना मैंने बनाया, तो हम लोग खाना बनाते हैं, फिर साथ में यहाँ पे 3 बंदे हैं, साथ में खाना खाते हैं, अकेले खाना पसंद नहीं है ना, इस वजह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कुवैत कैसे आए, तो अगली वीडियो में बना सकता हूँ दूसरे टॉपिक के ऊपर, और ये जो कि ECR और ECNR के ऊपर थी वीडियो। तो गाइस अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो, थोड़ा ध्यान दीजिए कि पासपोर्ट हमको कैसे बनवाना है और हम कैसे कुवैत जाए, तो अच्छे से बनवाइए। ये नहीं कि कोई जल्दीबाजी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग जल्दीबाजी चक्कर में आप लोग जाहिल का पासपोर्ट बनवा कैसे भी कुवैत में आ जाते हो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अलविदा कहते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल नए टॉपिक सब के लिए।